Hey guys, welcome back to my channel. तो आज है 23rd of May and the last video I shot that was on 21st of May. I was broken that day, frankly speaking. But now it's been already 3 days. Situation is getting better. There are places जहाँ पे electricity and power, power supply and water supply restored हो गया है. But yeah. फ़ोन कनेक्शंस आर नॉट येट स्टेबल दो. पापा थोड़े से तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से घर पे अकेले थे ऐसे, और अभी तो केबल कनेक्शन भी बंद है, फ़ोन में भी सबसे बात नहीं हो पा रही है. कभी फ़ोन लगता है, कभी बिल्कुल ही नहीं लगता है, कभी फ़ोन लगता है पर कुछ सुनाई नहीं देता है. ऊपर से मोबाइल डेटा भी ऑफ है, तो एक इंसान जो घर पे अकेले है उनके लिए सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है. बट स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ एंड माई डैड प्रिविलेज कि हमारे पास घर है, हमारे पास खाने के लिए फूड है, हमारे पास नहाने के लिए पीने के लिए पानी है. बट जिनके घर चले गए हैं, आई कांट इवन थिंक दैट वॉट मिजरी दिस पीपल आर गोइंग थ्रू. तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो जाए. बहुत सारी जगह पे लास्ट 3 दिन से पावर सप्लाई नहीं है. सिटी में जो प्रॉब्लम है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, तो उनके लिए कॉरपोरेशन का पानी कैरी करके जाना, यूज़ करना, मैं सोच सकती हूँ कि किस चीज़ से लोग गुजर रहे हैं. तो मेरा प्रार्थना यही है भगवान से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा स्ट्रेंथ दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ सबके. पापा ठीक है, पापा हेल्दी है, सेफ है, ये मैसेज आपको दे देती हूँ सबसे पहले. मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी सब लोग ठीक है, हम लोग रेगुलर टच में हैं सबके साथ. दीपांजन टच में है, मैं टच में हूँ. तो सब जितने हमारे दोस्त रिश्तेदार सभी फ़िलहाल ठीक है. जो पावर और वाटर का प्रॉब्लम है वो शायद जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा हर चीज़ को नॉर्मल होने में. तो मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं बट शायद मैं सबको रिप्लाई नहीं की हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन और टीवी से ब्रेक ले रही थी. ये सुन सुन के मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर इंटरनेट और टीवी से ब्रेक लेती हूँ. तो वही उसी चक्कर में मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया बट मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. आप लोगों में से सब ने कहा है कि तुम्हें ऐसे मूड में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हारे रेगुलर व्लॉग से बहुत एनर्जी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है. तो जो व्लॉग मैं लास्ट शूट की थी जिसको मैं अपलोड नहीं की थी ड्यू टू वॉट एवर हैपन इन बिटवीन, और आज मैं वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा. हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. शाम के टाइम है, जैसे आपने देखा था लास्ट व्लॉग में भी कि हम लोग थोड़ा बाहर बैठ के गप्पे मारते हैं, कुछ खाते हैं. तो आज मैंने अपने लिए बनाया है सैंडविच, मुझे बहुत भूख लग गई थी, और दीपांजन खा रहा था सॉसेज, और मेरे दो अनमोल रतन इधर ही है. कियारा का आज सुबह वैक्सीनेशन हुआ है तो वो थोड़ी सी ड्राउजी है, थोड़ा सो रही है, रेस्ट ले रही है. दोपहर को हमने अच्छे से सोया है और आज संडे है बट दिन काफ़ी जल्दी शुरू हो गया क्योंकि कियारा और फ्लरी का अपॉइंटमेंट था एट 9:30, तो हम ऑलमोस्ट 6:30 तक उठ गए थे. दीपांजन 6:30, आई वोक अप एट 7:30. डॉक्टर के पास गए जिसका व्लॉग आपने देखा, वापस आए, लंच भी बना हुआ था, मैं कल ही लंच बना के रखी थी, दाल आलू पोस्तो एंड फिश, उससे हो गया हमारा लंच. और मैं लंच में आज पता नहीं क्यों मुझे फिश खाने का मन नहीं था, तो मैं बहुत कम खाई और अभी मुझे लगा है ज़बरदस्त भूख. एंड आई लव दिस सैंडविच. फ्लरी यहाँ से मेरे से थोड़ा थोड़ा ग्रिल्ड जो ब्रेड है वो खा रही है. Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding. Liking. आज थोड़ा
दिन रिलैक्स करके हम बिता रहे हैं, क्योंकि किसको अच्छा लगता है यार रोज रोज लगे रहो, खाना बनाओ, बर्तन धो। अगर खाना बनाना नहीं हो ना एक दिन, तो बाकी का काम भी कम होता है, घर गंदा कम होता है, बर्तन कम होता है, तो बर्तन धोने के काम भी बहुत कुछ खास नहीं होता है, और घर में गर्मी भी कम होती है। हाँ, और घर भी थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में क्या होता है, आप खाना बनाते हो ना किचन में, तो पूरे घर में थोड़ा सा उसका हीट रह जाता है पूरा सुबह खाना जब बनाते हो तब। तो आज घर भी काफ़ी ठंडा है, अच्छा लग रहा है। रात को देखते हैं क्या करेंगे, रात के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं बना है, बहुत सारे प्लान्स एक्चुअली है, तो हम कंफ्यूज है कि रात को क्या करेंगे। छः बजे 6:15 तक बैल्कनी में आए थे, तब डेलाइट था थोड़ा बहुत, अभी तो बिल्कुल ही डार्क हो गया यहाँ बैठते बैठते। और बाहर ना काफ़ी क्लाउडी सा था, तो लग रहा था अच्छा लगेगा बाहर बैठ के, बट सच बताओ तो बहुत सफोकेटिंग है। एक इतना सा भी हवा नहीं चल रहा है, मेरे एक बाल भी नहीं उड़ रहे हैं एक्चुअली, इतना भी हवा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, और मच्छर भी है। तो जल्दी जल्दी ये फिनिश करके उसके साथ ये चाय, आप में से किसी ने पूछा था कि ये चाय कैसे बनाते हो, प्लीज़ शेयर करना, सो दीपांजन विल शेयर इट विथ यू गाइस, क्योंकि मुझे ये चाय बनानी नहीं आती, ये दीपांजन बनाता है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी पक्का। डिनर का प्रिपरेशन बहुत सारे सोच समझ के बाद, पहले हमने सोचा था विल मेक ग्रिल्ड सैमन विद बटर गार्लिक राइस, फिर हमने सोचा कि हम राइस और बॉइल्ड पोटैटो ऐसे कुछ करके खा लेंगे दाल के साथ, फिर दोनों ने सोचा कि नहीं, लास्ट कुछ दिनों से हम राइस खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दीपांजन ने बोला तुम चिंता मत करो मैं फटाफट रोटी बना देता हूँ। उसके साथ हम खाएंगे एक भुर्जी, आज रात रोटी और एक भुर्जी, सिंपल सा डिनर, में दो रोटी खाऊंगी क्योंकि शाम को मैं सैंडविच खा ली थी। और तुम एक भुर्जी के साथ और कुछ खाओगे क्या? एक भुर्जी के साथ सॉसेज, और फ्रिज में थोड़ा दाल भी है, तो मुझे अगर दाल खाना है तो मैं गरम कर लूंगी। तो ये होने जा रहा है आज का डिनर, मैं एक्साइटेड हूँ, रोटी के साथ एक भुर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। भिगो दिया है मैंगो, मैंगो फ्रिज में रहे ना रहे मैं हमेशा खाने से एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा पहले उसको पानी में भिगो के रखती हूँ। ये मैं बचपन से देखती थी कि मेरी मम्मी करती थी, पापा भी करते हैं, इसलिए मैं भी करती हूँ। ऊपर सोना है? हाँ, क्यों, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों क्यों वो क्यों, कहीं भी सोने से पहले स्क्रैच करती है अच्छे से उस जगह को, नहीं यहाँ पे नहीं सोना है चलो। और हम लोग अभी देख रहे हैं पाताल लोक, किस किस ने पाताल लोक फिनिश कर लिया बताओ, हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, रोज ही एक एक एपिसोड देखते हैं, फिर नींद आ जाती है, सो जाते हैं। आज हम दोपहर को एक एपिसोड देखे थे, अभी एक एपिसोड खत्म किया, और इसके बाद भी हम आज पाताल लोक ही देखेंगे। Hey guys, it's 12:50 right now and it's still raining. बीच में थोड़ी देर रुक गया था बारिश और अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, सो आई एम एंजॉइंग, इतना गर्मी हो गया था ना। तो डिनर इज़ डन, मैंगो भी खा लिया हमने, और अभी हम सो जाएंगे, वी फिनिश्ड टुडे पाताल लोक, अभी हम सो जाते हैं, तो फिर आप लोगों से एकदम फ्रेश फ्रेश मिलेंगे कल सुबह। गुड नाइट। Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby, I can
Hey guys, good afternoon and welcome back. तो कल रात को मैं गुड नाइट बोल के खत्म की थी और आज गुड आफ्टरनून से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सुबह से इतनी बिजी थी मैं सच में ब्लॉग नहीं बना पाई. किस चीज में बिजी थी वो सब और बता के आपको बोर नहीं करूंगी, खुद भी बोर नहीं होंगी. अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock और अभी मैं आ गई हूँ बनाने लंच. Moments later. और आज लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ जो बना के खा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं नहा धो के आई हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी. प्रिपरेशन करके गई थी, दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या बना रही हूँ. तो आज बन रहा है ग्रिल सैमन, उसके साथ मैं बनाऊंगी बटर गार्लिक राइस. ये कल रात को बनाने वाली थी बट कल रात को तो फाइनली आपने देखा कि हम रोटी और एक भुर्जी खाए. तो सैमन को जितना फ्रेश बनाया जाए उतना ही अच्छा है. ये जो रेसिपी है ये मेरे चैनल में डिटेल में मैं पहले एक बार अपलोड की थी बट आज 2-3 चीज बता देती हूँ कि सैमन को एक तो अगर आप दुकान से लाके ही बनाते हो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू, और अगर आप फ्रीजर में रखते हो 3-4 दिन बाद बनाते हो तो उसका जो डिफ्रॉस्ट का प्रोसेस है ना वो डिफ्रॉस्टिंग उसको नेचुरली होने दीजिएगा. अगर आप सैमन को पानी में बहुत देर तक भिगो के रखेंगे या रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे तो उसका जो नेचुरल फैट है वो फिश से निकल जाएगा, फैट एंड ऑयल. फिर वो फिश थोड़ा ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा चीवी हो जाता है, उसमें वो बात नहीं रहती है. या तो माइक्रो में डाल के भी डिफ्रॉस्ट मत कीजिए, तब भी उसका जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है. तो द बेस्ट थिंग इज कि जब बनाओगे उससे 5-6 घंटा पहले बेस्ट ऑन दी वेदर आउटसाइड उसको निकाल के रख दो बाहर के ही और उसको नेचुरली डिफ्रॉस्ट होने दीजिए. और फिर लास्ट 1 घंटे से मैं इसको मैरिनेट करके रखी हूँ, अब मैं इसको ग्रिल करूँगी. ये बहुत जल्दी बन जाता है दोनों का दोनों आइटम और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है. अगर आपको थोड़ा सूखा खाने में प्रॉब्लम है तो शायद हो सकता है कि आपको उतना अच्छा नहीं लगे बट अगर आपको बटर राइस के साथ ऐसे सूखा ग्रिल्ड फिश खाना अच्छा लगता है तो जिनको अच्छा लगता है उनके लिए इट्स अ ग्रेट 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 रेसिपी टू मेक. और राइस भी राइस नॉर्मल राइस बना के उसको बटर के साथ थोड़ा टॉस करने में हार्डली 5-7 मिनट्स जाता है. तो जब अभी के टाइम लॉकडाउन के टाइम हेल्प नहीं आ रहे हैं, कुक नहीं आ रहे हैं और हमको सब कुछ करना पड़ रहा है, थोड़ा टेस्ट बदल के भी खाने का मन होता है, बाहर का खाना भी बहुत रिस्की है अभी, तो ऐसे टाइम के लिए आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा डिश है जो आप बना सकते हो. स्प्रे दिया था फ्लरी के पॉज के बीच में, थोड़ा सा रेडनेस है थोड़ा सा, तो उसमें दिन में 2 बार स्प्रे देने के लिए बहुत ही हल्का सा रेडनेस है. गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल. अच्छा ओके 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 भागे. तो इस स्प्रे से एक्चुअली उसको कोई भी इचिंग या कोई भी इरिटेशन नहीं होता है. क्या होता है कि वो स्प्रे का जो नोजल का जो आवाज़ है स्प्रे करने से वो उससे इरिटेट होती है और डैडी फटाक से छोड़ देते हैं. क्यों देखो मम्मा
चैट पे ना, उसको लिक मत करना अभी, लुक एट कियारा। तो आज का लंच कैसा था बताओ? बहुत बढ़िया था, डिफरेंट था, और ऐसे लंच मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी क्या खा रहे हो बताओ? अभी दही, घर का बनाया हुआ दही। आज फिर से दही जमाऊंगी, ये हो गया खत्म, तो आज फिर से वो करना पड़ेगा। अभी लंच के बाद हम थोड़ा मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, दीपांजन तो ऑफिस का काम कर रहा था। तो दोपहर के टाइम एक बार ये स्प्रे दे दिया, फिर रात को देंगे। आपको दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में कि डॉक्टर ने ये दिया है, तो मुझे लगा जब एक बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी शेयर करती हूँ, और इसके बाद कुछ और स्पेशल भी शेयर करूँगी। स्टे ट्यून, कहीं मत जाना। ये जो सारे चीज़ें देख रहे हैं नायका से आया है, ये सब महाराष्ट्र से आया है। मैं इसलिए दूर हूँ क्योंकि ये जिस स्टेट से आया वहाँ पे 30,000 है। नहीं बट ये कितने दिन से रखा है बोलो बाहर डर के मारे? तीन चार दिन हो गया अभी। इतना डराया दीपांजन ने कि मैं चार दिन से इसमें हाथ नहीं लगाई हूँ, ये इधर ही पड़ा है आने के बाद। अभी खोल लिया, अभी चार दिन हो गए, अभी खोलना ही पड़ेगा। बस आराम से हाँ हाँ, इसको फिर से सैनिटाइज करूँगी, ऐसा नहीं है। Hey guys, तो बहुत बहुत दिनों के बाद फाइनली आई हैव माई खुशियों का खजाना, और ये आया है नायका से ये पार्सल, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कुछ देर पहले। तो मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी बट मैं श्योर नहीं थी कि फाइनली ये सब चीज़ें डिलीवर्ड होगा भी कि नहीं। तो ये पार्सल रिसीव करके मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी खुशी आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगी। मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। So I have ordered this conditioner from Dove. This is for extremely damaged hair, regenerative repair conditioner. This is a nail polish remover from Color Bar. ये है मेरा पुराना वाला bottle and this is now done. इसमें और कुछ भी नहीं है, जिसके लिए मेरे nails भी खाली है। मैं nail polish नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास nail polish remover ख़त्म हो गया था। So this is the one I got. उसके साथ आई गॉट दिस शैम्पू फ्रॉम मामा आर्थ, मामा आर्थ हैप्पी हेड्स शैम्पू। आई ऑर्डर दिस वन एंड शेयर विथ यू गाइज इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़, और सच में ये शैम्पू बहुत अच्छा है। आई थिंक द अनियन वन, अनियन शैम्पू फ्रॉम मामा आर्थ, दैट वन इज़ मोर फेमस, बट फॉर माई हेयर दिस वन वर्क्स बेटर। ऑल्सो ऑर्डर दिस हेयर ऑयल फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, दिस इज़ द ब्रिंगादी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट। मैंने बहुत अच्छा रिव्यू सुना है, नायका में रिव्यू भी पढ़ा है, अमेजोन में भी इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। सो आई थॉट ऑफ गिविंग दिस अ ट्राई, दिस इज़ वेरी प्राइजी, दिस मच ऑयल कॉस्टेड मी ₹675। सो कामा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव बट आई हर्ड दे आर गुड, लेट्स सी। एंड आई हैव ऑल्सो ऑर्डर दिस हेयर मास्क, दिस इज़ फ्रॉम प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर। सो जैसे आपने देखा मैं काफ़ी सारा हेयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी क्योंकि आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल करंटली। मुझे लगता है मेरे हेयर को थोड़ा ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हेयर ऑयल, हेयर मास्क एंड शैम्पू तीनों एंड कंडीशनर ऑल्सो, ये चारों प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है। नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस नाइट क्रीम फ्रॉम ओले, दिस इज ओले वाइट रेडियंस एडवांस फेयरनेस ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। तो इसका ऑलरेडी एक फाइल मैंने यूज़ किया है, और जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें और शायद एक बार यूज़ कर सकती हूँ, इतना ही प्रोडक्ट बचा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपांजन पिक दिस वन अप फ्रॉम अ लोकल स्टोर बाई मिस्टेक, मैं उसको कुछ और लाने के लिए कही थी, वो ये लेके आया था क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं था। बट यू नो आई गॉट एडिक्टेड टू दिस क्रीम, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरी स्किन के लिए। आई कैन क्लियरली सी, आई देर इज़ अ विजिबल ग्लो ऑन माई फेस, आई हैव नोटिस्ड।
आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम फॉर लास्ट वन मंथ. दो इट्स लिटिल बिट ऑन द प्राइजियर साइड, बट आई थॉट कि एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट अच्छा वाला करते हैं जो मेरे स्किन में काम कर रहा है. और नेक्स्ट इज ये मैं ऐसे ही शौक से ऑर्डर की हूँ, इसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी. आई यूज़ बोरोलिन एज अ लिप बाम. आई लव यूजिंग बोरोलिन एज माई लिप बाम. इट कीप्स माई लिप्स मॉइस्चराइज. बट ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा, नायका का ग्रीन एप्पल लिप बाम. बहुत सारे और वेरियंट्स मिल जाएगा, ब्लू बेरी, लेमन, बहुत सारा था. मैंने ग्रीन एप्पल लिया, स्मेल्स नाइस. एंड ये है नायका सो मैच मिनी लिपस्टिक. ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है. 3000 रुपीज़ के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हो तो नायका से जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो ये ऑफर था कि एक मिनी लिपस्टिक फ्री मिलेगा, और वही मिला है. एंड लेट्स सी विच शेड आई हैव गॉट. सो आई हैव गॉट दिस शेड 07M विकेड वाइन. ओ इट्स अ डार्क वाइन शेड. आई हैव अ शेड डिवाइन वाइन फ्रॉम मेबिलीन जो बहुत करीब है इसके, बट गिफ्ट मिला है तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ. ये था मेरा नायका से शॉपिंग और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. इतने दिनों के बाद ग्रॉसरी आइटम छोड़ के कुछ और घर पे आया है शॉपिंग के दौरान, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. एनीवेज आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग गाइज. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वन. अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.